नमस्कार सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने गैपुरा में राजन पाठक और भगवती चौधरी के लिए किया चुनावी रैली। माफ मत करना इनको, इस गुनाह की सजा इनको मिलनी चाहिए। इनको सरकार चलानी क्यों नहीं आती आपको मालूम है? विधानसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मिर्जापुर के विधानसभा 96 के बिछड़ा में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भगवती प्रसाद चौधरी के समर्थन में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भगवती प्रसाद चौधरी को जिताकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने पर जोर दें। गैपुरा में भी नगर प्रत्याशी भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक के समर्थन में चुनावी रैली कर विपक्षियों पर हमला करते हुए अधिक से अधिक मतों से जिताने पर बल दिया। चुनावी रैली में पूर्व चेयरमैन दीपचंद जैन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश नारायण तिवारी, रामजी दुबे, सनी पाठक, वसीम अहमद सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष सर्वांगी खास खबर। धन्यवाद। जो सामने दिखा बेचो, सरकार चलाओ। तो मैं तो कहता हूँ बेचू राम एंड कंपनी। आप बताओ क्या बचा? यही एयर इंडिया नहीं बिका होता तुम्हारे कितने बच्चे आ जाते? अरे जिनकी हैसियत ही नहीं है 15-20 लाख 25 लाख से खर्च करने का, वो बेचारे लालच में रह गए कि जब 1 लाख 25 हजार से टिकट कम होगा तब हम जाएंगे। फंस गए और रूस और यूक्रेन में उपंधक बना दिए। माफ मत करना इनको, इस गुनाह की सजा इनको मिलनी चाहिए। इनको सरकार चलानी क्यों नहीं आती आपको मालूम है? एक से एक धुरंधर आज देश चला रहे हैं। एक है इनका गृह मंत्री अमित शाह, गुंडों को तो गर्दन नहीं मिलेगी। क्या कहता है मालूम? रिकॉर्ड क्या कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। वो कहता है जब 12वीं बच्चा पास कर ले इंटर में जाएगा तो हम उसको कंप्यूटर देंगे। अब बचाओ मेरे भारत को, बचाओ मां बिंदुवासी मेरे भारत को। जो 12वीं के पास बीए में जाना चाहिए वो इंटर में जा रहा, उसकी भी अब जब कमजोरी है कि उसका प्रधानमंत्री ऐसा है जो पहले एमए की डिग्री देता है फिर 2 साल बीए की फर्जी डिग्री दिखाता है, और जिसकी शिक्षा मंत्री ऐसी है कि जिसकी डिग्री का ही नहीं पता है। मैं स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहा हूं, वो क्या जाने बच्चों का दर्द। जिंदाबाद। के बाद से जब से कांग्रेस का एमएलए आ नहीं, काम धाम बंद। मिर्जापुर का विकास नहीं हुआ, यहाँ तो चुनाव निशान नहीं है लेकिन यहाँ अनुप्रिया जी हैं। अनुप्रिया जी को सिर्फ एक चीज प्रिय है, मायावती जी की सच्ची उत्तराधिकारी है। पहले मायावती जी हाथी बेचती थी, ये कपलेट बेच रहे। इनको पटेलों वर्मा से वोट तो लेना है पर टिकट उसको देना है जो ज्यादा बोली लगा रहे। आप ढूंढ लेना अगल बगल। और मैं पकौड़ी लाल जी के बारे में तो बात ही नहीं करूंगा, वो तो हमारी बिरादरी को सीधे ही गाली देते। अरे ललकार के कहता हूं अगर है दम तो उस गाली का जवाब एक एक वोट राजन पाठक को मिलना चाहिए। आपको सजा देनी है 7 तारीख को। कल चेहरा नहीं था उनका कि मंच पर बैठा ले, मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ी। अरे जब इस तरह गालीबाज सांसद बन जाएंगे और इस तरह बेचू राम सांसद और मंत्री बन जाएंगी तो उनका टिकट अभी बेच रही है, किसी दिन बाद चलेगा तो मिर्जापुर भी बेच लेंगी। इसलिए बचाओ। आप देखो ना हालात कहां पहुंच गए, आप बताओ, याद करके बताओ।
कभी 1 से 10 रुपया पेट्रोल बिका? बिक गया भाजपा की सरकार में। और आज का अखबार पढ़ लेना, 15 रुपया बढ़ाने का मसविदा प्रस्ताव तैयार, 200 रुपया सिलेंडर का दाम तैयार। इसलिए कि अभी 5 राज्यों का चुनाव है, 7 को चुनाव खत्म, 8 और 9 को 15 रुपया पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। तो मेरे पास एक फार्मूला है भाई, ब्राह्मण आदमी, अकल है तो राय दे सकता हूं। एक उदाहरण दे दूंगा आपको, 1 से 10 था पेट्रोल, राजस्थान में उपचुनाव हुआ।